Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number 15, Eat from the Ages. In this chapter, we will read a play that illustrates Chanakya's wisdom. चैप्टर में हमें क्या पता चलने वाला है? चाणक्य की बुद्धिमत्ता. Two important people, a future king and his teacher, are discussing war strategies after another defeat. दो इम्पॉर्टेंट मतलब दो महत्वपूर्ण लोग, एक है फ्यूचर किंग और एक है उसके टीचर. ये दोनों क्या डिस्कस कर रहे हैं? रणनीति के बारे में. वॉर स्ट्रेटेजीज मतलब रणनीति या फिर युद्ध नीति या फिर कूटनीति. आफ्टर अनदर डिफीट, एक बैटल में उनका क्या हो गया? वो लोग हार गए. अब ये हार के बाद वो लोग डिस्कस कर रहे हैं वॉर स्ट्रेटेजीज के बारे में. दे टेक रेस्ट इन एन ओल्ड वुमन्स हट. अब युद्ध खत्म होने के बाद वो लोग थक गए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? एक बूढ़ी औरत की हट में थोड़ी देर रेस्ट की. दे हियर हर गिविंग अ पीस ऑफ एडवाइस टू हर ग्रैंडसन. और उन्होंने वहाँ पर क्या सुना कि वो जो ओल्ड लेडी थी वो क्या कर रही थी? अ पीस ऑफ एडवाइस मतलब होता है सलाह. वो अपने ग्रैंडसन को कुछ सलाह दे रहे थे, एडवाइस दे रहे थे, ठीक है. और वो सलाह इन दोनों ने सुनी एंड डिसाइड टू यूज़ इट. और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो छोटी सी सलाह है वो उन्होंने फिक्स किया कि हम इसे क्या करेंगे, हम इसे यूज करेंगे. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट द पीस ऑफ एडवाइस वॉज. चैप्टर पढ़कर हमें पता चल जाएगा कि वो पीस ऑफ एडवाइस क्या था, वो एक छोटी सी सलाह क्या थी जो हमारे फ्यूचर किंग ने और उसके टीचर ने अपनाई. सो लेट स्टार्ट. पहले हम लोग कैरेक्टर्स पढ़ेंगे. चाणक्य, अ 40-year-old ascetic ड्रेस्ड इन saffron robes with his long hair left unbound because of a oath of vengeance. ये जो है चाणक्य, वो 40 साल के है. ascetic मतलब होता है तपस्वी. उन्होंने saffron कलर का रोब पहना हुआ है, लॉन्ग हेयर है, और वो हेयर जो है वो उन्होंने बांधे नहीं है. बिकॉज, क्योंकि उन्होंने ऐसा ये किया था, प्रण किया था कि जब तक मैं राजा नंदा जो है उनसे जब तक मैं रिवेंज नहीं लूँगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा, ठीक है. इसलिए उनके बाल खुले हैं, बिकॉज ऑफ ओ ऑफ वेंजेंस मतलब प्रतिशोध लेना है. उनके प्रतिशोध की आग में वो जल रहे हैं और इसलिए उन्होंने क्या किया है, अपनी चोटी नहीं बांधी है. देन उन्हें रिवेंज लेना है उस राजा से. सेकेंड कैरेक्टर चंद्रगुप्ता, अ टॉल वेल बिल्ट यंग मैन वियरिंग एन आर्मर हेलमेट एंड कैरिंग अ सोर्ड. ये कैसे है चंद्रगुप्त? एकदम टॉल, एकदम हाइट, हेल्स एकदम परफेक्ट, और उन्होंने आर्मर पहना है. आर्मर मतलब होता है शील्ड, कवच. आप लोगों ने देखा होगा ना, जब ये राजा महाराज लोग जब युद्ध के लिए जाते हैं तो कुछ मेटल का पहनते हैं ना, शील्ड. यस, आर्मर, अ स्पेशल मेटल क्लोथिंग वोन बाय सोल्जर्स इन फॉर्मर टाइम्स. हेलमेट पहना है और हाथ और क्या है, सोर्ड कैरी कर रहे हैं. देन एंड ओल्ड वुमन, अ 70-year-old वुमन वियरिंग अ शबी वाइट साड़ी एंड ब्लाउज पैच रफली इन सेवरल प्लेसेस. 70 साल की एक बूढ़ी औरत है और जो देख कर ही लग रही है कि वो ज़रूरतमंद है, नीरी है, गरीब है. वाइट कलर की साड़ी और ब्लाउज पहना है और साड़ी पर जगह जगह पर पैच लगे हुए हैं. हरी, अ यंग बॉय ऑफ अबाउट 10 वियरिंग अ पैच धोती. और एक छोटा बच्चा है हरी, जो कितने साल का है, 10 साल का होगा आसपास, और उसने भी धोती पहनी है. वो भी कैसी है, उसकी पैच कहीं कहीं से फटी होगी तो उसके उसके दादी ने वहाँ पर पैच लगा दिए हैं. धोती मतलब क्या होता है? लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ टाइट राउंड द वेस्ट वोन बाय मेन इन इंडिया. ठीक है, अभी हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अभी यहाँ पर देखो पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है. यहाँ पर चाणक्य है, देन चंद्रगुप्त है, और ये है वो लेडी. वहाँ पीछे क्या है, एक हट है. सो लेट स्टार्ट. अभी ये एक प्ले है. चाणक्य एंड चंद्रगुप्ता एंटर द स्टेज. चाणक्य और चंद्रगुप्ता दोनों भी कहाँ से स्टेज पर आते हैं? फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से स्टेज पर आते हैं. एंड अप्रोच एन ओल्ड थैच्ड हट. वहाँ पर एक घास फूस से बनी हुई हट है, उसके तरफ वो जा रहे हैं. दैट इज बैडली इन नीड ऑफ रिपेयर. और वो जो हट है वो कैसी है, उसे रिपेयरिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है. Then let's start. Chandragupta. Mother, mother. The old woman comes out of the hut. Chandragupta आवाज देते हैं कि माते माते, और एक old woman वहाँ से हट से बाहर आती है. Old woman, yes my son, what do you want?
तो वो कहते कि हाँ बेटा आपको क्या चाहिए? चंद्रगुप्त, वाटर मदर, वाटर, वी आर थर्स्टी। तो चंद्रगुप्त कहते हैं कि पानी चाहिए माते, पानी, हम लोग बहुत पैसे हैं। द ओल्ड वुमन टेक्स टू स्मॉल मड पॉट्स, क्या करती है वो ओल्ड वुमन, दो छोटे छोटे मड, मतलब क्ले पॉट्स, मिट्टी के बर्तन, छोटे छोटे दो पॉट्स लेती हैं, डीप्स देम इनटू अ लार्जर मड पॉट। हमारे यहाँ का मटका रहता है ना, वहाँ पर देखो पिक्चर में है भी मटके रखे हुए हैं, यस। तो उसमें वो क्या करती है, उसमें उन दोनों छोटे पॉट को डीप करती है, उसमें से पानी निकालती है और उन्हें देती है। डीप देम इनटू अ लार्जर मड पॉट एंड गिव सम वाटर टू हिम एंड चाणक्य, और दोनों को भी पानी देती है, चंद्रगुप्त और चाणक्य को। दे ड्रिंक थर्स्टीली एंड ड्रिंक अगेन एंड अगेन फॉर बोथ हर बैटल स्टेन एंड फियर। अब वो लोग बहुत पैसे हैं इसलिए वो फिर से और पानी मांग रहे हैं, और क्यों, क्योंकि वो आए हैं युद्ध से, युद्ध से आए हुए हैं और बहुत थके हुए हैं, वियरी मतलब थके हुए हैं। देन चंद्रगुप्त, थैंक यू मदर, चाणक्य, थैंक यू मदर, दोनों भी उनको थैंक यू कहते हैं। चंद्रगुप्त, कैन वी सिट हियर फॉर अ व्हाइल एंड रेस्ट मदर, चंद्रगुप्त ने पूछा कि क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं माते। वी हैव बीन इन बैटल, हम लोग युद्ध खेल कर आए हैं, हम लोग युद्ध में थे, एंड वी आर एग्जॉस्टेड, और हम लोग अभी बहुत थके हुए हैं, एंड नीड टू रेस्ट फॉर अ बिट बिफोर वी मूव ऑन। और उन्होंने कहा कि हमें अभी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है थोड़े टाइम के लिए, बिफोर वी मूव ऑन, यहाँ से निकलने के पहले। ओल्ड वुमन, यस माय सन, ओल्ड वुमन ने कि हाँ मेरे बेटा, माई हर्ट इज़ ओल्ड एंड लीकिंग बट इट इज़ योर्स, क्या कहा उन्होंने कि मेरी जो हर्ट है वो बहुत पुरानी है, लीक हो रही है, लीकेज है उसमें, लेकिन ये तुम्हारी ही है, प्लीज़ रेस्ट हियर फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट टू। और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप यहाँ पर रेस्ट करो, जब तक आप चाहो तब तक आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। वॉज इट अ ग्रेट बैटल माई सन, डिड यू विन, उन्होंने पूछा कि क्या बेटा, क्या ये बहुत बड़ा युद्ध था और क्या तुम जीत गए? चंद्रगुप्त, इट वॉज अ ग्रेट बैटल, उन्होंने कहा कि हाँ ये एक बहुत बड़ा, हाँ वो एक बहुत बड़ा युद्ध था मदर, एंड वी फॉट टिल वी ब्लड बट वी लॉस्ट अगेन। उन्होंने कहा चंद्रगुप्त ने कि हाँ बहुत बड़ा युद्ध था और हम लोग पूरे जानो जान से डरे वहाँ पर, हम लोगों ने खून बहाया, लेकिन फिर भी हम क्या हो गए, हार गए। फिर से ओल्ड वुमन, रेस्ट नाउ माय सन, ओल्ड वुमन ने कहा कि ठीक है अभी आप दोनों क्या करो, रेस्ट करो। देन नेक्स्ट पेज, शी एंटर्स हर हट, हर ग्रैंडसन इज प्लेइंग आउटसाइड एट द राइट साइड ऑफ द स्टेज विद द स्ट्रिंग एंड टॉप। बूढ़ी औरत ने क्या किया, उसने अपनी हट में एंट्री ली और उनका जो ग्रैंडसन था वो राइट साइड में वहीं पर स्टेज पर खेल रहा था, क्या खेल रहा था वो, लट्टू के साथ, स्ट्रिंग एंड टॉप मतलब लट्टू। चाणक्य एंड चंद्रगुप्ता सिट डाउन ऑन सम रॉक एट द लेट साइड ऑफ द स्टेज एंड स्टार्ट टॉकिंग। चाणक्य और चंद्रगुप्ता जो है वहीं पर लेफ्ट साइड में कुछ रॉक्स पड़े थे उसके ऊपर बैठ गया और वो बातें कर रहे थे, चंद्रगुप्त बातें करने लगे दोनों भी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त ने क्या कहा, इट वॉज अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट आचार्य। आचार्य किसके लिए यूज करते हैं, जैसे हम लोग सर बोलते हैं ना, टीचर बोलते हैं, उससे आचार्य। ह्यूमिलेटिंग मतलब शर्मनाक, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक हार थी हमारे लिए। चाणक्य, यस, कि हाँ द बैटल वेंट रॉन्ग वे फॉर अस, उन्हें कहा कि ये जो युद्ध है वो हमारे अपोजिट में हुआ, मतलब हमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वी वेयर आउट नंबर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉट इज़ आउट नंबर, द एनिमी वॉज ग्रेटर इन नंबर, मतलब जो एनिमी थे उनका नंबर ज़्यादा था और ये जो चंद्रगुप्त की जो ये थी सोल्जर्स थे वो कम थे, कि हम लोग शुरुआत से ही कैसे थे, कम थे नंबर्स में। देन चंद्रगुप्ता, इट्स नॉट जस्ट द नंबर्स, कि ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है, वी ट्राइड अवर बेस्ट, कि हम लोग तो बहुत अच्छे से ट्राई करते हैं, हमने बहुत अच्छे से ट्राई किया। देर वॉज अ पॉइंट वेन आई थॉट दैट वी माइट विन, और वहाँ पर ऐसा एक पॉइंट आया था कि मुझे लगा कि शायद हम जीत सकते हैं, बट दे आर टू स्ट्रांग, लेकिन वो लोग बहुत स्ट्रांग है, टू स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। दिस इज़ हैपनिंग टू ऑफन आचार्य, और ऐसा तो हमेशा ही होता है आचार्य। तो चाणक्य ने कहा, आई नो दैट वी डू नॉट हैव अ वेरी लार्ज आर्मी, चाणक्य ने कहा कि मुझे पता है कि हमारे पास बहुत लार्ज आर्मी नहीं है,
बट वी हैव ट्रेंड अवर सोल्जर्स वेल, लेकिन हमने अपने सोल्जर को अच्छे से ट्रेन किया है. दे आर लॉयल टू अस, वो हमारे वो कैसे हैं, लॉयल है. एंड आर फाइटिंग वेल, और फाइटिंग भी अच्छे करते हैं. इट इज़ जस्ट दैट वी आर आउट नंबर्ड ईच टाइम. उन्होंने कहा कि बस यही एक ये है प्रॉब्लम कि हम लोग आउट नंबर्ड रहते हैं हमेशा. चंद्रगुप्त, हु कैन विन अगेंस्ट द माइट ऑफ नंदा एम्पायर. उन्होंने कहा कि ये जो नंद महाराज जो है, उनका जो साम्राज्य है, उनके अगेंस्ट कौन भला जीत पाएगा, कौन जीत सकता है. आई थिंक वी विल लूज अगेन, मुझे लगता है कि हम फिर से हार जाएंगे. एंड अगेन फिर से हार ही जाएंगे हम लोग. Till I die and you become old with your dream of taking revenge of King Dhanananda left incomplete. मतलब जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक हम हारते रहेंगे. आप भी बूढ़े हो जाओगे और आपका जो सपना है कि किंग धनानंद से आपको जो रिवेंज लेना है, प्रतिशोध लेना है, वो अधूरा ही रह जाएगा. चाणक्य, आई हैव बीन योर टीचर सिंस यू वर 7 ईयर्स ओल्ड. चंद्रा, चाणक्य जी ने कहा कि जब तुम 7 साल के थे ना, तब से मैं तुम्हारा टीचर हूँ. आई नो यू बेटर दैन यू नो योर सेल्फ. मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ. जितना तुम खुद को नहीं जानते हो ना, उतना मैं तुम्हें जानता हूँ. यू आर डूइंग वेल, तुम बहुत अच्छा करते हो. डू नॉट बी डिस्करेज बाई टेम्पररी सेटबैक्स. सेटबैक्स का मीनिंग होता है समथिंग दैट हैपन्स दैट डिले और रिवर्स योर प्रोग्रेस, मतलब नाकामयाबी. तो क्या कहा चाणक्य जी ने उनको, चंद्रगुप्त को, कि एक छोटी सी जो नाकामयाबी तुम्हें जो मिली है टेम्पररी, उसको देख कर तुम डिस्करेज मत हो. देन चंद्रगुप्त, आई एम लूजिंग होप आचार्य. वी हैव लॉस्ट टू मेनी टाइम्स अगेंस्ट द नंदा आर्मीज. चंद्रगुप्त ने कहा कि अभी ना मेरी पूरी आशा ही चली गई है, मैं अभी निराश हो चुका हूँ. और हम लोग बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोग जब भी युद्ध करते हैं नंदन के आर्मी से, तो हम लोग हारते ही हैं. आई फील दैट फेलियर इज़ माई डेस्टिनी इन लाइफ. और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हार, फेलियर ही मेरा नसीब है. मेरे नसीब में, मेरे लाइफ में सिर्फ हार ही लिखी हुई है. देन चाणक्य, ट्रस्ट मी, भरोसा करो चंद्रा. ट्रस्ट मी चंद्रा, द नंदा आर्मीज हैव बीन लकी. उन्हें कहा कि देखो चंद्रा, मुझ पे तुम भरोसा करो, ये जो नंदा की आर्मी जो है वो क्या है, बहुत लकी है. दे आर गुड बट दे आर नॉट इनविंसिबल, कि वो लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन वो अजय नहीं है. अजय नहीं है मतलब, इनविंसिबल मतलब होता है सम वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, मतलब जिनको हम लोग हरा नहीं सकते, ऐसे वो नहीं है. दे कैन एंड दे विल बी डिफीटेड बाय अस, कि हम उन्हें भी क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं, और हम उन्हें हराएंगे. देन चंद्रगुप्त, वेन आचार्य वेन, कब आचार्य कब. चाणक्य, सुन चंद्रा सुन. उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी चंद्रा, बहुत जल्दी. द ओल्ड वुमन कम्स आउट ऑफ द हर्ट विथ हर ग्रैंडसन. ओल्ड वुमन अपने ग्रैंडसन को लेकर हर्ट से बाहर आती है. बोथ आर कैरिंग अ प्लेट ऑफ ग्रुएल ईच, और दोनों के हाथ में प्लेट है जिसमें ग्रुएल है. ग्रुएल मतलब दलिया. ओल्ड वुमन सर्स, प्लीज डू गिव मी द अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विंग यू. उन्होंने कहा कि आप, मतलब मुझे आप अपॉर्चुनिटी दीजिए कि मैं आपको कुछ खिला सकूँ, कुछ सर्व कर सकूँ. प्लीज शेयर आवर सिंपल मील विथ अस, कि प्लीज़ आप लोग हमारे साथ हमारे ये जो सिंपल सा खाना है वो शेयर कीजिए, करें. इट इज़ ओनली ग्रुएल बट इट इज़ ऑल वी हैव. उन्होंने कहा कि ये एक सिंपल सा दलिया है और यही हमारे पास है. एंड यू आर वेलकम टू शेयर इट विद अस, और मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग ये हमारे साथ शेयर करें. चंद्रगुप्ता, थैंक यू मदर बट वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू. चंद्रगुप्त ने कहा कि माते धन्यवाद, लेकिन हम आपसे कुछ भी नहीं ले सकते. ऑल वी वॉन्टेड वॉज वॉटर एंड अ लिटिल रेस्ट. हमें जो चाहिए था वो सिर्फ पानी, क्या था वो, पानी और एक थोड़ी सी रेस्ट. वी आर रेडी टू मूव ऑन नाउ. अभी हम लोग निकलने के लिए रेडी है, तैयार हैं. ओल्ड वुमन, यू हैव कॉल्ड मी मदर. ओल्ड वुमन ने कहा, चंद्रगुप्त हो, कि आपने मुझे क्या कहा, माता कहा. नो मदर विल अलाउ हर सन टू लीव हर होम विदाउट गिविंग हिम फूड. और कोई भी मदर अपने बच्चों को बिना खाना खिलाए नहीं भेजती है.
वी आर वेरी पुअर, हम लोग बहुत गरीब हैं, एंड ऑल आई हैव इज सम राइस ग्रुएल, और मेरे पास जो भी है वो सब वो यही है, ये राइस ग्रुएल, राइस से बना हुआ दलिया। बट आई गिव इट विथ माई ब्लेसिंग, लेकिन मैं ये आप लोगों को देती हूँ मेरे ब्लेसिंग के साथ, मेरे आशीर्वाद के साथ। प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ आप ये ले लीजिए। एंड यू सर आर लर्न टीचर, फिर वो चाणक्य जी से कहते कि आप तो एक विद्वान शिक्षक हैं, टू सर्व यू इज अकेन टू सर्विंग द गॉड्स, अकेन टू मतलब सिमिलर इन सेम वे। उसने कहा कि आपको खाना खिलाना मतलब गॉड को खाना खिलाने के जैसा है। प्लीज एक्सेप्ट दिस हम्बल ऑफरिंग एंड माई गुड विशेज फॉर ऑल दैट यू डू। उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप ये खाना मैं जो ऑफर कर रहे हो ये ले लीजिए, और आप जो भी कर रहे हो ना उसके लिए मेरी बहुत बहुत अच्छी विशेष है, गुड विशेष है, मेरी शुभकामनाएं हैं। देन नेक्स्ट पेज, अब यहाँ पर पिक्चर में आपको हरी दिख रहा है, देखो वो बैठा है, उसके सामने प्लेट है, उसमें ग्रुएल रखा है, ठीक है, और वो ग्रुएल से देखो कैसी भाप निकल रही है। बोथ चंद्रगुप्त एंड चाणक्य बो टू हर एंड टेक द प्लेट्स एंड सेट डाउन एंड वेट फॉर द स्टीमिंग हॉट ग्रुएल टू कूल डाउन। अभी उस जो ओल्ड लेडी की बात चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने भी सुन ली, और उन्होंने अपनी प्लेट ली, वहीं पर नीचे बैठ गए और वो वेट करने लगे वो दलिया ठंडे होने के लिए, ठीक है। द ओल्ड वुमन गोज इनसाइड द हट एंड कम्स बैक विद अनदर प्लेट ऑफ फूड फॉर हर ग्रैंडसन। वो जो बूढ़ी औरत है वो फिर से अंदर गई और वहाँ से हट में गई, और वहाँ से क्या किया वो एक दूसरी प्लेट लेकर आई अपने ग्रैंडसन के लिए। द लिटिल बॉय इमिजिएटली ट्राइज टू ईट द ग्रुएल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट। अब वो छोटे बच्चों को भूख लगी होगी तो उसने क्या किया, जैसे वो प्लेट सामने रखी वैसे उसने वो ग्रुएल खाना मतलब वो स्टार्ट करने वाला था, उसने ट्राई किया कि मैं जल्दी से खाता हूँ, और कहाँ से स्टार्ट किया उसने, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट एंड बर्न्स हिज फिंगर्स। अब वहाँ पर वो जो सेंटर में क्या होता है, खाना हमेशा बहुत गर्म होता है, वहाँ से भाप निकलती है और उसके हाथ उसके जो फिंगर्स है वो जल गए। ही विंसेस एंड बिगिंस टू सर्क हिज बर्न्ड फिंगर्स। विंसेस मतलब होता है सडनली मेक्स एन एक्सप्रेशन विद द फेस दैट शोज वन इज एक्सपीरियंसिंग पेन। तो उसको एकदम से वो गर्म लगा होगा, एंड बिगिंस टू सर्क हिज बर्न्ड फिंगर्स, उसने जल्दी से अपना हाथ निकाला और वो जो बर्न फिंगर थे उसको सक करने लगा, मुँह में डाला उसने। द ओल्ड वुमन स्कोल्ड्स हर ग्रैंडसन, ये देखकर वो जो औरत है बुरी औरत उसने उसको डांटा ग्रैंडसन को अपने। ओल्ड वुमन, हरी हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू ईट फ्रॉम द आउटर एजेस फर्स्ट, व्हाई डोंट यू लिसन टू मी। तो उसने कहा, वो वुमन ने कहा हरी को कि मैंने तुम्हें कितने बार बताया है कि कहाँ से खाना चाहिए, पहले ये जो बाहरी साइड है आउटर एजेस है वहाँ से खाना स्टार्ट करो, तुम क्यों सुनते नहीं हो मेरा। हरी, आई नो, मुझे पता है, यू टोल्ड मी मेनी टाइम्स ग्रैंडमा, कि ग्रैंडमा आपने मुझे बहुत बार बताया है, बट आई कीपिंग फॉरगेटिंग, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूँ। वाई शुड आई ईट फ्रॉम द आउटर एजेस फर्स्ट, कि मुझे आउटर एजेस से ही मतलब बाहरी साइड से क्यों खाना चाहिए। वाई इज़ द फूड इन द सेंटर सो हॉट, ये जो सेंटर प्लेट के सेंटर में जो फूड रहता है वो हमेशा इतना हॉट क्यों होता है। ओल्ड वुमन, ऑल द हीट गेट्स इन टू द मिडल, जो पूरी गर्मी हीट जो रहती है वो कहाँ पर रहती है, मिडल में, एंड सो द आउटर एजेस स्टार्ट कूलिंग फर्स्ट, और इसलिए क्या होता है बाहरी साइड वाला जो खाना है वो पहले कूल होता है। द हीट इन द सेंटर इज वेरी स्ट्रांग, सेंटर में जो हीट रहती है वो बहुत तेज रहती है, विल नॉट कूल क्विकली, वो जल्दी से ठंडी नहीं होती है। That's why the outer edges start cooling quickly. और इसी कारण को जो बाहरी साइड है आउटर एजेस है वो जल्दी से कूल होते हैं। Always remember this lesson, son. क्या कहा उन्होंने कि हमेशा ये जो पार्ट है ना ये लेसन ध्यान में रखना। The food in the center will be the hottest. कि जो फूड सेंटर में रखा हुआ था वो कैसे रहता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। And the food at the outer edges will be the coolest. और जो आउटर एजेस में फूड रहता है वो कैसा रहता है, वो ठंडा रहता है। ये बातें किसकी चल रही थी, उस ओल्ड वुमन और हरी के बीच में। चाणक्य देखिए क्या बोलते हैं, पुट हिज प्लेट डाउन एंड क्लैप्स फॉर द ओल्ड वुमन, उन्होंने अपनी प्लेट नीचे रखी है और उस ओल्ड वुमन के लिए क्लैप किए। मदर यू आर ट्रूली अ वाइज वुमन, और उन्होंने कहा कि माता आप सही में एक बुद्धिमान औरत हो। आई सैल्यूट यू, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। I thank you and bow you in gratitude, कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ
और मैं आपको झुक कर प्रणाम करता हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ। फॉर ऑन दिस डे यू हैव टॉट अस अ वेरी वैल्यूएबल लेसन इन डेट, कि आपने क्या किया, आपने हमें वास्तविकता समझा दी, आपने एक एक ऐसा वैल्यूएबल लेसन हमें सिखाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू मदर। ओल्ड वुमन, यू आर अ टीचर एंड अ होली मैन, कि आप तो एक शिक्षक है, एक तपस्वी है, एंड आई एम अ फुलिश ओल्ड वुमन लिविंग इन अ लिकिंग हट, और मैं तो एक मूर्ख औरत हूँ जो यहाँ पर ये लीकेज वाली हट में रहती हूँ। वाई डू यू मॉक मी सो सर, कि आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं सर। वॉट कैन आई अ पुअर ओल्ड वुमन टीच यू, कि मैं मेरे जैसी एक गरीब औरत आपको क्या सिखा सकती है। चाणक्य, यू डू नॉट नो द वर्थ ऑफ योर ओन वर्ड्स, उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि आपने अभी जो वर्ड्स कहे, आपके खुद के जो वर्ड्स आपने कहे, उनकी क्या वैल्यू है। बट आई हैव लर्न्ड अ वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम यू दिस डे, लेकिन मैं आज आपसे एक वैल्यूएबल लेसन सीखा हूँ। ओ मदर, देन टर्निंग टू चंद्रगुप्ता, चंद्रा लिसन केयरफुली, तो चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ टर्न हुए और कहा कि चंद्रा लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। चंद्रगुप्त, एस्टोनिश एंड गोइंग्स ऑन, यस आचार्य, अब ये जो बातचीत चल रही थी ना, तो चंद्रगुप्त एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि इन लोगों का चल क्या रहा है। चाणक्य, चंद्रा, वी हैव बीन क्वाइट फुलिश, कि हम थोड़े मूर्ख हैं। वी हैव बीन अटैकिंग द मेन एंड द आर्मी, टेकिंग देम हैंड ऑन, उन्होंने कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो धरानंद है उनकी आर्मी पर, उनकी जो मेन आर्मी है वही उनकी पर अटैक कर रहे हैं, उन्होंने फेस टू फेस, और हम उन्हें क्या कर रहे हैं, फेस टू फेस चैलेंज कर रहे हैं। करें चंद्रगुप्त, एंड लूजिंग, और हम हार रहे हैं। तो चाणक्य ने कहा यस, बट दैट्स बिकॉज वी हैव बीन फाइटिंग द मेन आर्मी विच कॉम्प्राइजेज द बेस्ट सोल्जर्स, द ग्रेटेस्ट वेपन्स एंड द फाइनेस्ट वॉर एलिफेंट्स। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन हम क्यों हार रहे हैं पता है, एक तो हम किसके साथ फाइटिंग कर रहे हैं, मेन आर्मी के साथ। विच कॉम्प्राइजेज, मतलब वो किन किन लोगों से बने हुए हैं, विच कंसिस्ट ऑफ और ऑफ विच मेड अप ऑफ बेस्ट सोल्जर्स, बहुत अच्छे सोल्जर्स हैं उसमें, वेपन्स अच्छे, देन फाइनेस्ट वॉर एलिफेंट, इसलिए वो आर्मी कैसे हो गई, आर्मी भी बेस्ट हो गई वो। रिमेंबर वॉट दिस ओल्ड मैन ओल्ड वुमन सेड, याद करो इन्होंने क्या कहा था, मिस ओल्ड वुमन ने क्या कहा था, द हीट इज लेस एट द आउटर एजेस, क्या कहा था उन्होंने कि हीट कहाँ पर कम होती है, आउटर एजेस में। चंद्रगुप्त, आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू मी आचार्य, तो चंद्रगुप्त ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप क्या मुझे एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पेज, चाणक्य, इट बेस्ड ऑन व्हाट द ओल्ड वुमन हैज टॉट अस, चंद्रा, वी विल नाउ चेंज अवर स्ट्रेटेजी, वी मस्ट अडॉप्ट न्यू टैक्टिक्स, तो चाणक्य जी ने कहा, तो चाणक्य ने कहा कि ये जो मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, जो बताने की चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो किसके ऊपर डिपेंड है, कि अभी जी ये जो ओल्ड वुमन है उन्होंने हमें जो सिखाया चंद्रा, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल नाउ चेंज अवर स्ट्रेटेजी, कि हमें अपनी युद्ध नीति जो है, स्ट्रेटेजी मतलब है अ प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव सक्सेस, वो अभी हमें चेंज करनी पड़ेगी, वी मस्ट अडॉप्ट न्यू टैक्टिक्स, क्या टैक्टिक्स मतलब होता है प्लान, वे ऑफ डूइंग समथिंग, स्पेशली द ऑर्गेनाइजेशन और यूज ऑफ सोल्जर एंड वेपन्स इन द वॉर, उन्होंने कहा कि अब हमें युक्ति से काम लेना पड़ेगा। देन चंद्रगुप्त, वॉट आर दिस न्यू टैक्टिक्स आचार्य, वी हैव ऑलरेडी बीन डिफीटेड टू मेनी टाइम्स नाउ, आचार्य उसने कहा, चंद्रगुप्त ने पूछा कि अभी आप कौन से न्यू टैक्टिक्स के बारे में बात कर रहे हो, हम तो हमेशा हार जाते हैं और बहुत टाइम हार चुके हैं, अभी भी हार गए। चाणक्य, दैट इज ट्रू, कि ये सच है, बट वी आर गोइंग टू चेंज अवर मेथड्स नाउ, लेकिन हम अभी क्या करने वाले हैं, अपनी जो मेथड है वो चेंज करने वाले हैं, तो क्या चेंजेस करेंगे वो, वी शैल अटैक सडनली विदाउट एनी वार्निंग, कि अभी हम लोग कैसे अटैक करेंगे, सडन अटैक करेंगे विदाउट एनी वार्निंग, सोल्जर्स को पता ही नहीं चलना चाहिए, आर्मीज वालों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम अटैक करने वाले हैं। वी शैल अटैक द आउटर फ्रिंजेस ऑफ द नंदा, आउटर फ्रिंजेस, व्हाट इज फ्रिंजेस, द आउटर और लेस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एरिया और ग्रुप,
तो उन्होंने कहा हम लोग बाहरी बाहरी वाला जो एरिया है जो इन लोगों से दुर्लक्षित है, जहाँ पर उनका ध्यान नहीं है, वहाँ पर कम आर्मी है, वहीं पर हम लोग पहले अटैक करेंगे। दे आर द वीकेस्ट सेक्शन विद द लीस्ट वेपन्स एंड द वर्स्ट सोल्जर्स। वो ऐसा सेक्शन है, वीकेस्ट सेक्शन है कि जहाँ पर कैसे हो गए, वहाँ पर ना तो युद्ध के लिए ज़्यादा सामान होगा और वर्स्ट सोल्जर होंगे, क्योंकि वो लोग अच्छी आर्मी में तो बेस्ट सोल्जर्स लगते हैं। वी अटैक एंड देन वी विड्रॉ जस्ट एज सडनली एज वी केम। हम लोग सडनली क्या करेंगे, अटैक करेंगे और सडनली वहाँ से निकल जाएंगे। चंद्रगुप्त, बट हाउ विल दैट हेल्प अस। चंद्रगुप्त ने कहा कि हाँ, लेकिन ये हमें हेल्प कैसे करेगा, क्या फ़ायदा होगा इसका हमें। चाणक्य, वी शॉल नॉट टेक ऑन द होल आर्मी, कि हम लोग पूरी अपनी आर्मी नहीं लेकर जाएंगे। वी विल अटैक एट द वीकेस्ट पॉइंट, हम लोग सिर्फ वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक करेंगे। We shall take over small villages and forts, then slowly as our victory increases, we shall have more resources and men, and then we move in for the kill. देखो उन्होंने क्या कहा कि हम लोग पहले क्या करेंगे, हम अपनी आर्मी थोड़े थोड़े लेकर जाएंगे और जो वीकेस्ट पॉइंट है वहीं पर अटैक करेंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे पहले छोटे छोटे विलेजेज, छोटे छोटे जो फोर्ट है उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे और एक एक करके हमारे क्या हो जाएंगे, हम लोगों को विजय मिलती जाएंगी। और जैसे जैसे ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे क्या हो गया, जैसे उन्होंने एक फोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया तो वहाँ के आदमी सब उनको मिल गए, सोल्जर्स मिल गए उन लोगों को, देन वहाँ पर जो रिसोर्सेस है वो भी उनको मिल जाएंगे, तो क्या होगा, यस, उनकी विक्ट्रीज बढ़ेंगी तो उनके रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। देन वी मूव इन फॉर द किल, और फिर उसके बाद हम लोग मेन चीज़ पर फोकस करेंगे। चंद्रगुप्त, इट ऑल सीम्स फार फेच आचार्य, एट द मोमेंट आई फील वेरी डीमोरलाइज। उन्होंने कहा कि ये सब तो बहुत प्रैक्टिकल है और ये तो बहुत दूर की बात है, और अभी इस मोमेंट पर तो मुझे कैसा लग रहा है, मैं अभी डीमोरलाइज हो चुका हूँ, मतलब आई लॉस्ट ऑल होप एंड कॉन्फिडेंस एंड डिसहार्ट, मैं तो अभी बिल्कुल सारी होप छोड़ चुका हूँ। चाणक्य, नो चंद्रा, कि नहीं चंद्रा, फेलियर इज नेवर द एंड, फेल होना मतलब अब पूरा एंड हो चुका है ऐसा नहीं होता है। इट इज़ ओनली द बिगिनिंग ऑफ न्यू फेज, अ डिफरेंट डायरेक्शन, अ स्ट्रॉन्ग एफर्ट। ये क्या है, ये एक बिगिनिंग है नए फेज के लिए, एक डिफरेंट डायरेक्शन के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लेना है हमें। रिमेंबर वॉट दे से, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ध्यान रखो कि क्या कहा गया है कि फेलियर क्या होता है, एक स्टोन होता है सक्सेस का, जो मार्ग है ना उसमें एक सिर्फ एक स्टोन ही होता है फेलियर। यू आर मेंट फॉर ग्रेट थिंग, कि तुम बड़ी चीज़ें करने के लिए बने हो चंद्रा। राइज एंड कीप फाइटिंग, उठो, ये जो है ना, ये जो तुम अपनी होप खो चुके हो उसमें से बाहर निकलो। कीप फाइटिंग विथ रिन्यू विगर एंड होम, और नए जोश से, नए स्ट्रेंथ से, नए शक्ति से, नए होप से क्या करो, फाइट करो। चंद्रगुप्त, योर वर्ड इज़ माई कमांड आचार्य, कि आपके जो शब्द है वो मेरे लिए क्या है, कमांड है, आज्ञा है। आई हैव ओबेड योर इम्प्लिसिटी इन ऑल दैट आई डिड टिल नाउ। उन्हें कहा कि मैं हमेशा, इम्प्लिसिटी मतलब एब्सोल्युटली, मैं हमेशा आपकी आज्ञा मानता हूँ और मैं वही अभी तक करते आया हूँ। नाउ टू यू हैव माई वर्ड that I will be everything you want me to do with all my heart, कि मैं आपको ये word देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा और पूरे तहे दिल से करूँगा। But do you think this new method will work? क्या लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये new method work करेगी? चाणक्य, I am convinced that if we adopted this guerrilla warfare methods, we will surely succeed. उन्होंने कहा कि मैं कन्विंस हो चुका हूँ, अगर हमने गुरिल्ला वॉरफेयर की मेथड अगर हम लोगों ने अडॉप्ट की तो हम लोगों को श्योरली सक्सेस मिलेगा। व्हाट इज़ गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड? अ टाइप ऑफ वॉर टेक्निक विच यूजेस अनयूजुअल स्टेल्थ मेथड टू गेट रिजल्ट। लेट अस अटैक द आउटर एजेस ऑफ द नंदा आर्मीज, कि चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, नंदा की जो आउटर एजेस है, नंदा की आर्मी जो है जो आउटर एजेस में है वहाँ पर अटैक करेंगे। चंद्रगुप्त, ऑल राइट आचार्य, कि ठीक है आचार्य, आई बिलीव यू, मैं आपको भरोसा करता हूँ। आई शाल नॉट गिव अप टिल एंड डीथ्रोन धनानंद, आई शाल नॉट गिव अप टिल वी डीथ्रोन धनानंद, कि मैं तब तक गिव अप नहीं करूँगा जब तक हम धनानंद को उसके सिंहासन से नीचे नहीं उतार देते। डीथ्रोन मतलब रिमूव अ किंग फ्रॉम दैर पोजिशन ऑफ पावर, एंड यू आर अवेंज द इंसल्ट यू सफोर्ड एट हिज हैंड्स। वॉट इज अवेंज? टू गेट रिवेंज, कि जब तक
मैं कब तक गिव अप नहीं करूँगा, जब तक उस दहन को वहाँ से निकाल नहीं सकता और जब तक आपका रिवेंज पूरा नहीं होगा। एंड ऑन दैट डे, और उस दिन, आई प्रोमिस यू दैट यू विल बाइंड अप योर हेयर, मैं प्रोमिस करता हूँ कि उस दिन आप अपने बाल बांध सकोगे। वी शैल कार्व आउट अ किंगडम दैट विल बी नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हम लोग एक ऐसा साम्राज्य बनाएंगे कि वो सारे जग में फेमस हो जाएगा। देन नेक्स्ट पेज, चाणक्य, वेल स्पोकन। चंद्रा, ये तुमने बहुत अच्छा और बहुत, मतलब बहुत अच्छी बात कही तुमने। अ ग्रेट डेस्टिनी अवेट्स यू, ग्रास्प इट विद बोथ हैंड्स एंड मेक इट अ रियलिटी। क्या कहा चाणक्य जी ने कि एक उज्जवल भविष्य तुम्हारा वेट कर रहा है, उसे ग्रास्प करो दोनों हाथों से, पकड़ो उसे दोनों हाथों से और उसको रियलिटी में चेंज कर दो। कम ऑन चंद्रा, लेट अस गो, भारत अवेट्स यू, कि कम ऑन चंद्रा, चलो अभी हमें निकलना चाहिए, पूरा भारत तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। चंद्रगुप्त, वन मोमेंट आचार्य, उन्होंने कहा कि एक मिनट आचार्य, आई विश टू डू समथिंग फॉर द ओल्ड वुमन हु हैज़ गिवन अस दिस प्राइसलेस लेसन इन लाइफ बिफोर आई गो। चंद्रगुप्त ने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि जो ओल्ड वुमन है, जिन्होंने हमने एक प्राइसलेस लेसन दिया है अपनी लाइफ में, उनके लिए कुछ करने की मेरी इच्छा है हमारे यहाँ जाने से पहले। चाणक्य, व्हाट इज दैट चंद्रा, क्या है चंद्रा वो इच्छा तुम्हारी। चंद्रगुप्त ने कहा, विथ योर परमिशन आचार्य, आई वॉन्ट टू रिपेयर हर लीकिंग हर्ट, आपकी परमिशन अगर हो तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इनकी जो लीकिंग हर्ट है उसे रिपेयर करना चाहता हूँ। शी हैज़ नो वन टू हेल्प, पर उनके पास कोई नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके। एंड शी हैज़ गिवन अस सो मच, और उन्होंने हमारे बहुत कुछ दिया है। प्लीज़ लेट मी रिपेयर द ओल्ड मदर्स हर्ट, कि प्लीज़ मुझे ये जो ओल्ड मदर है उनकी हर्ट रिपेयर करने दीजिए। चाणक्य, अ वंडरफुल थाट चंद्रा, कि ये तो बहुत अच्छा थाट है चंद्रा। अ किंग मस्ट ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट इवन इफ ही इज इन एग्जाइल। एग्जाइल मतलब देश निकाला। प्रोलॉन्ग एंड एनफोर्स अब्सेंस ऑफ वंस ओन होम और कंट्री, मतलब एक जो राजा है उसने हमेशा किसकी केयर करनी चाहिए, अपने प्रजा की। यहाँ पे सब्जेक्ट जो वर्ड यूज़ किया है ना, दैट इज प्रजा के लिए यूज़ किया है, भले ही फिर उस राजा को बाहर निकाला हुआ। लेट इज हेल्प द ओल्ड मदर, की करो उस ओल्ड मदर की हेल्प करो। आफ्टर ऑल शी हैज़ गिवन अस अ मंत्रा फॉर सक्सेस, कि उन्होंने हमें क्या दिया है, एक सक्सेस का मंत्र दिया है। व्हाट इज मंत्रा, अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांग बिलीफ और मोटो और स्लोगन। चंद्रगुप्ता, यूजिंग द टैक्टिक्स ही लर्न फ्रॉम द ओल्ड वुमन, वेंट ऑन टू विन बैटल आफ्टर बैटल टिल ही डिथ्रोन धनानंदा। ओल्ड वुमन से जो उनका पीसा, उन्हें जो पीस ऑफ एडवाइस मिला था ना, वो उन्होंने यूज़ किया और क्या किया, उस धनानंद के साथ युद्ध करते रहे। कब तक, जब तक धनानंद को उन्होंने अपने सिंहासन से, गद्दी से नीचे नहीं उतारा। एंड वॉज क्राउन द एम्परर ऑफ मौर्यन एम्पायर, और फिर चंद्रगुप्त क्या बने, एम्परर बने मौर्यन एम्पायर का। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि पीस ऑफ एडवाइस क्या था, कि पहले क्या करो, आउटर एजेस पर, आउटर एजेस से स्टार्ट करो, फिर मिडल पर तक जाओ। मतलब पहले छोटी छोटी जीत जो है वो अपने पहले खाते में जमा कर लो, फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिसोर्स बढ़ता है, देन आपको कहाँ पर मूव करना है, आपको मेन एम की तरफ मूव करना है।